बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 29 अगस्त 2023, समय हो गया है 09:55 PM। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आप सभी से, मतलब पूछना नहीं चाह रहा, मतलब बहुत से सवाल मेरे से पूछे गए पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा स्लिप लाइन से, और मैंने जवाब भी दिए। आज मैं कुछ सवाल ना पाकिस्तानी पुलिस से पूछना चाहता हूँ, और वहाँ की आर्मी से, ISI से, मतलब तुम ईमानदारी से बताना। मतलब पहला सवाल है मेरा ये, हितेश रेवन न्यूज़ मीडिया नहीं है, लाइसेंस है मेरे पास, सवाल पूछ रहा हूँ मैं पाकिस्तानी पुलिस से और ISI से, पाकिस्तानी आर्मी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम चूतिया पैदा हुए हो या तुमने कोई कोर्स वोर्स किया हुआ है? ये पहला सवाल है मेरा। हैं, मतलब तुम चूतिया पैदा ही हुए हो या कोई कोर्स वोर्स किया तुमने? तो जहाँ से कोर्स किया वो इंस्टीट्यूट बंद क्यों नहीं कराते? तुमसे एक वहाँ पे मरियम नवाज नहीं सवाल ही जा रही है? अजी पागल हो यार तुम लोग, हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल है, पाकिस्तानी पुलिस, ISI और पाकिस्तानी आर्मी, तुम जो इतने समय से अमेरिका से भीख मांगते आ रहे हो, अभी तुम्हारे हालात नहीं सुधरे? अच्छा, नहीं देखो, सवाल तो बनता है ना, मतलब CIA और अमेरिका की दोस्ती जो तुम्हारी है, मोदी को भी तुमने पाकिस्तान का SPG बना लिया भारत से युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इसी वजह से मोदी पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा और उसे गद्दार साबित किया गया। तो मतलब तुम इतने समय से जो भीख मांगते रहते हो अमेरिका से, तुम्हारे अभी हालात नहीं सुधरे, जो तुमने इमरान खान को रूस भेजा भीख मांगने के लिए। ये दूसरा सवाल है मेरा। अच्छा, तीसरा सवाल है, तुम्हारी हितेश रेवन, मतलब पाकिस्तानी पुलिस से, ISI से, पाकिस्तानी आर्मी से, सवाल है मेरा, तुम्हारी हितेश रेवन को देख के फटती तो नहीं है? हैं? अच्छा। और इसी का सप्लीमेंट, अगर फटती है तो सिलवाने कहाँ जाते हो? अच्छा, फटी है तो CIA। ये वीडियो है, चैन लाओ और साइकिल में लगाओ। ये वीडियो इसलिए चैन लाओ साइकिल में लगाओ बनाई क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस वाले यहाँ आए हुए घूम रहे हैं। किस लिए आए हुए यहाँ पे? ट्रेनिंग के लिए। तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं होती? तो IPS क्यों लिखा था? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तो जिंदगी में कभी अपने कपड़े पे ना पाकिस्तानी पुलिस ना लिखवा, इतना मारूंगा ना। और तुम शान से, मतलब जासूसी में भी, अबे छोड़ना, IB ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे यहाँ लगा दो IB, यहाँ लिख दो दिल्ली पुलिस, यहाँ लिखो इंडियन आर्मी, यहाँ लिख दो, इधर जहाँ मर्जी लगा दें। पाकिस्तानी पुलिस घर से निकाल निकाल के मारूंगा IB वालों को। मेरे से कह रहे, रॉ वाले कह रहे, तुझे जो है ना, तुझे पाकिस्तान एक ऑपरेशन पे जाना है, ठीक है, यहाँ से तेरे को जो है ना मुसलमानों के साथ जाना पड़ेगा। मैं कहा इतने झापड़ मारूंगा ना तेरे को, मैंने तू अड़ बागा बॉर्डर होल में वैसे ही चला जाऊंगा कि कौन से मुसलमान, पाकिस्तानी है तेरी है, वहाँ जाते जब तड़ाक दे दूंगा झापड़ खींच के पहले गई। तो शर्म नहीं आती यहाँ, मतलब वहाँ से आगे बड़े शान से लिखते हैं IPS। मेरा चौथा सवाल है आपसे, इसी से जुड़ा हुआ है, भारत में आकर के आप लोग जासूसी का काम करते हो और ऐसे में पाकिस्तानी पुलिस वाले दिल्ली पुलिस और IPS लिखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हैं?
मेरा पांचवा सवाल है आपसे, पाकिस्तान में हितेश रेवन से मरियम नवाज जी ने और राबी पीरजादा जी ने शादी करी, निकाह फरमाया, तो आप लोगों को मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मतलब हितेश रेवन का साला बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? और इंडियन फ्लैग और लगा रखा है माथे पे। अच्छा जी। नहीं, हमारे यहाँ तो अमेरिकी के फ्लैग का कच्चा भी होता है। क्या बात होगी। छठा सवाल है मेरा आपसे, पाकिस्तानी, खास करके पाकिस्तानी आईएसआई से, इतने दिनों से आपको हितेश रेवन बेइज्जत कर रहा है, क्या आप लोगों के आँख आँख का पानी मर गया है? मैं शुरू से बेशर्म हूँ। ये छठा सवाल है। सातवां सवाल है मेरा आपसे, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी से, अचानक वॉर जोन के अंदर हितेश रेवन की एंट्री, अचानक वॉर जोन में हितेश रेवन की एंट्री, और वो इतना पैसे वाला आदमी है, ठीक है, आप लोग मतलब अब पक्की मारेगा तुम्हारी, तो अगर बाई चांस आपको मौका मिले तो आप, आपको मौका लगे तो आप हितेश रे वन से आप मतलब अगर नहीं मरवानी तो फिर आप किससे मरवाना पसंद करेंगे? तुम्हारे मारेगा तो पक्का। हैं? ये सातवां सवाल, आठवां सवाल मेरा पाकिस्तानी पुलिस से है। बस मतलब बहुत बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा, इतना सा सवाल होगा ये। तुम चूतिया हो क्या? या हितेश रेवन आप लोगों को बना रहा है? सवाल ये, सवाल ये। तो आठवां सवाल बहुत सिंपल सा, इतनी सुंदर महिला पोडियम पे, इतनी सुंदर महिला पोडियम पे पाकिस्तान में, आप उसको सिक्योरिटी देने के बाद आप सब उसे छेड़ते ही रहते हो। मैं खुद ही चालू हो गए। ऐसी कंप्लेंट है, मरियम नवाज ने ऐसी कंप्लेंट करी है। ये सो मेनी टाइम्स आई वॉच्ड दैट इज द पाकिस्तानी पुलिस आर टीजिंग मी एंड सो मेनी ऑफिसर्स ऑफर मी फॉर मैरिज, तो इट वॉज रियली आई एम फीलिंग वेरी हैरेसमेंट एंड लाइक अ वेरी इंसल्टिंग दैट इज व्हेन द पाकिस्तानी पुलिस देमसेल्फ आर इन्वॉल्व इन पता क्या कहती बात में सीधे भोसड़ी का छेड़ते हैं मेरे को। नौवां सवाल है मेरा आपसे, दस ही सवाल ज़्यादा नहीं पूछूंगा, दस सवाल बस, ठीक है, 10 मिनट में 10 सवाल वैसे तो हो नहीं पाएंगे, 9 मिनट हो चुके हैं। नौवां सवाल है मेरा, पाकिस्तानी आर्मी पुलिस, मतलब तीनों में से जो जवाब देना चाहे, और वो ऐसा है जो कि थोड़ा आपको लगेगा भी, ये जो नवाज शरीफ है आपके देश में,
इसका जो रियल स्वरूप है एलजीबीटी वाला, मतलब आप इसको एंजॉय करते हो या अपनी इंसल्ट समझते हो? नवाज शरीफ का जो ये रूप है, जो उसका मीन्स इन पाकिस्तान इन इंग्लिश, दिस इज दिस क्वेश्चन इंटरनेशनल क्वेश्चन टू यू, यू नो, नवाज शरीफ हिमसेल्फ इज एज हाइटेड एज एन ए गे इन पाकिस्तान. सो मीन्स व्हाट यू फील, यू ऑल पाकिस्तानी, यू ऑल आर पाकिस्तानी आर्मी, मीन्स व्हेन यू साइटिंग अ गे एज एन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज, so you all are enjoying it or you are feeling insulting? This is the ninth question from Hitesh Ravan, definitely going to be a blast take. Yes. No, definitely. मतलब पाकिस्तान का जो एक ex prime minister, जो कि एक अलग से आउटफिट में उसकी फोटोग्राफ हितेश रेवन ने वायरल कर दी, वो लड़कियों के मेकअप में, फिर कह रहा हम तो जासूसी है, हम पागल वागल समझ रहे हैं क्या हमें? तो क्या मतलब पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी पुलिस, मतलब उसको एंजॉय करती है, इंसल्ट महसूस करती है? 13 PM गे है. If I ever like to visit Bagha border, definitely I'm going to shout from this side to all those other side on a Pakistani police and a Pakistani army, and I will shout definitely your PM was a gay. And I don't think so ki it will ever be possible, any possibility he can be ever going to enjoy his post as a prime minister. So abu I'm and my 10th question is directly to ISI also. Is it a failure that you were not able to hide the reality of Nawaz Sharif? Nawaz Sharif ki सच्चाई छुपाने में ISI नाकामयाब रही, आप अपना आप इसको अपना फेलियर मानते हैं या नहीं? जगह जगह या मैंने वायरल करी हितेश रेवन ने, नवाज शरीफ की एक ऐसी फोटो वायरल करती जैसे सीधा पता लगता है. तो ब्लंडर फेलियर ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑफ ISI इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, एंड दैट इज दैट योर प्राइम मिनिस्टर इज अ गे एंड यू आर फेल टू हाइड आउट इज पर्सनल इंटरेस्ट and personal habits from Hitesh Rewan. Now would you like to accept this, that Hitesh Rewan's intelligence is much faster and greater than yours? ISI is must have to accept defeat in this from Hitesh Rewan. instead of focus on his IGL connection and the money, that your prime minister is a gay and it's an international fact. I'm the person in the media, and myself Hitesh Mandal, Twitter handle @ Hitesh Rewan, instead of banning my Twitter handle, you must have to hide out your prime minister, because definitely the United Nations the law like lesbian gay, bisexual, transgender is would you think it is going to help you? So my these all 10 questions to Pakistani army and ISI and to Pakistani police. So
Definitely, I feel so. If you like to answer me in open media. तुम क्या मीडिया चला रहे हो यार, समा टीवी और जियो न्यूज और ये, आज तक मुझसे बात करो, इसके बाद बताऊंगा तुम सबको तुम्हारी हकीकत कि मेरे पास से धमाके से उड़ा दिया पूरा पाकिस्तान तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के मेरे पास की नहीं है समा टीवी पे किरण वो सही ये ज्यादा देर तक देखेगा नहीं, क्यों भाई क्यों नहीं देखेगा यार, इसलिए नहीं देखूंगा किरण मेरे बस की नहीं है, रहा नहीं जा रहा मैं बोल फाल तुम्हें कुछ उल्टा सीधा चौड़ा होकर के आके कह रहा है बंदा एक आई एम फ्रॉम पाकिस्तानी पुलिस, तू चला जाए मूड मत करा आपका, तेरा प्राइम मिनिस्टर गे था फोटो वायरल, वो छोड़ कहने को कोई कुछ भी कह सकता, फोटो वायरल करिए मैंने उसकी मैं वो जो तुम कभी नहीं बन सकते, समझ में आ गई, वर्ल्ड मीडिया में रैंक नंबर वन है मेरा, तुम कौन हो बे, $2 trillion मीडिया प्रेजेंस है, कोई नहीं दिखाएगा मेरी फोटो, मैं खुद अपने को आपको प्रेजेंट करूंगा, $2 trillion पर टॉपिक इधर लेके आओ